फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टिग वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ शील्डिंग गैस इन टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग में हम कौन कौन से शील्डिंग गैस को यूज करते हैं? फ्रेंड्स, टिग वेल्डिंग के अंदर आर्गन और हीलियम दो तो बहुत ही कॉमन शील्डिंग गैस है, बट आर्गन और हीलियम के अलावा भी कुछ गैसेस का हम यूज़ करते हैं शील्डिंग गैस के रूप में, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं होता है, बट इसको स्मॉल अमाउंट्स में दूसरे गैस के मिक्सचर के साथ यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आर्गन हीलियम तो यूज होता ही, नाइट्रोजन भी शील्डिंग गैस के रूप में यूज होता है। यहाँ मैंने देखिए, हाँ, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए, जो आर्गन गैस होता है उसमें हमें पेनिट्रेशन कम मिलता है, रिड्यूस्ड पेनिट्रेशन, HAZ वाइडर होता है और इसमें इन अंडरकट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हीलियम होता है, हीलियम में हमें पेनिट्रेशन ज़्यादा मिलता है, इंक्रीज पेनिट्रेशन और अंडरकट के चांसेस कम होते हैं। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस को हम आर्गन के साथ एक मिक्सचर का यूज़ करते हैं जिसमें आर्गन 95 से ज़्यादा रहता है और हाइड्रोजन जो है 5% या उससे कम रखते हैं। तो आर्गन और हाइड्रोजन का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील और निकल अलॉय की वेल्डिंग के लिए। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को भी हम आर्गन के साथ यूज करते हैं। बेसिकली 5% या 5% से कम, लेस देन 5% आर्गन का यूज़ करते हैं, आर्गन प्लस, सॉरी, 5% या 5% से कम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। मतलब थोड़ा सा अमाउंट नाइट्रोजन प्लस आर्गन, आर्गन प्लस नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। हम क्यों करते हैं? तो बैक पर्जिंग फॉर ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के बैक पर्जिंग में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो कॉपर का अलॉय जो वेल्डिंग करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा हेल्प मिलता है। इसे हम माइल्ड स्टील के लिए यूज़ नहीं करते हैं, नाइट्रोजन गैस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच डिफेक्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू गेट इन टिग वेल्ड इन नॉन डीऑक्सीडाइज स्टील। तो फ्रेंड्स, जो नॉन डीऑक्सीडाइज स्टील होते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन होने के कारण हमें पोरोसिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी। पोरोसिटी कैन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर कॉन्टेमिनेंट्स इन द वेल्ड जोन, और जो नॉन डीऑक्सीडाइज होगा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू नोटिस मैनुअल मेटल आर्क इलेक्ट्रोड्स स्ट्रिप्ड ऑफ फ्लक्स, यू आर बींग यूज एज अ फिलर वायर फॉर टिग वेल्डिंग। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका SMAW का एक इलेक्ट्रोड है, उसका फ्लक्स को रिमूव करके और हम उसे टिग वेल्डिंग में एज अ फिलर वायर यूज कर रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हर इलेक्ट्रोड जो है उस वेल्डिंग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन होता है। अगर आपने SMAW के लिए कोई इलेक्ट्रोड डिजाइन किया है तो वो इलेक्ट्रोड SMAW के लिए ही हेल्पफुल होगा। अगर आप टिग में उसको फिलर मेटल के रूप में यूज करेंगे तो हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि जो मेटल कंपोजिशन होता है वो रॉन्ग हो सकता है। द कंपोजिशन ऑफ द फिलर मेटल मे नॉट बी सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिग वेल्डिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, व्हेन टिग वेल्डिंग ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पाइप आर्गन गैस बैकिंग इज यूज। तो गैस बैकिंग क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा ये पाइप है, मान लेते हैं पाइप पे अगर हम ऊपर से वेल्डिंग शुरू कर रहे हैं तो नीचे से रूट साइड में, नीचे से अंदर से हम आर्गन गैस की पर्जिंग करते हैं। मतलब इसके अंदर आर्गन गैस का एटमोसफेयर बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है, आर्गन गैस इनर्ट गैस है और वो मोल्टन वेल्ड पुल के ऊपर शील्डिंग का काम करेगा। मतलब जो बाहर का ऑक्सीजन है, मतलब इस पाइप के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उससे वेल्ड पुल को अलग कर देगा। तो ये हम क्यों करते हैं? तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देखिए, मोल्टन वेल्ड पुल में अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, पोरोसिटी वगैरह आ सकता है। इसीलिए मोल्टन वेल्ड पुल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्गन गैस का पर्जिंग करते हैं। आर्गन गैस जो है एटमॉस्फेयर से मोल्टन वेल्ड पुल को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस यूटिलाइजेस अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो फ्रेंड्स, जो आर्क, ये सारे जो प्रोसेस है, ये सारे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ही हैं। जैसे मिग है, वो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इसका नाम है, टिग है गैस टंजस्टन आर्क वेल्डिंग, MMAW है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, इसे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, और SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो ये सारे आर्क वेल्डिंग फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब इनमें देखिए, मिग जो है, मिग का जो इलेक्ट्रोड होता है वही फिलर मेटल का काम करता है, मतलब वो इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाएगा। MMAW या SMAW में जो इलेक्ट्रोड होता है वही फिलर मेटल का काम करता है, मतलब वो इलेक्ट्रोड
वेल्डिंग के दौरान कंज्यूम हो जाएगा। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में भी वही होता है, जो इलेक्ट्रोड है वही फिलर मेटल का काम करता है। जो करंट इलेक्ट्रोड और फिलर मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड आर्क जनरेट करता है, फिलर मेटल वेल्डिंग में जो गैप होता है उसको फिल करता है। तो ये जो तीनों वेल्डिंग प्रोसेस है इनमें इलेक्ट्रोड जो और फिलर मेटल दोनों एक ही होते हैं, वही आर्क भी जनरेट करते हैं और वही मटेरियल फिल भी करते हैं। लेकिन टिग वेल्डिंग में अलग होता है, टिग वेल्डिंग में आर्क जनरेट करने के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोड होता है जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, और फिलर मेटल हमें चाहिए होता है तो हम एडिशनली अलग से फिलर मेटल का फिलर रॉड अप्लाई यूज करते हैं या सप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर होगा टिग। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस वुड यू एक्सपेक्ट टू यूज अ कॉलेट। फ्रेंड्स कॉलेट क्या होता है, जैसे टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो इसमें क्या होता है जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है उसको होल्ड करने के लिए एक डिवाइस होता है उसको कॉलेट बोलते हैं। कॉलेट जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है और ये वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग होल्डर के अंदर होता है। तो बेसिकली कॉलेट जो है वेल्डिंग टॉर्च असेंबली का एक पार्ट होता है, उसके अंदर होता है, उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया टिक। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट टाइप्स वुड बी यूज फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम विथ टिग वेल्डिंग। तो जब हम एल्यूमिनियम का वेल्डिंग करते हैं, टिग वेल्डिंग से हम एल्यूमिनियम को हम वेल्ड करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एल्यूमिनियम के जो बेस मेटल है उसके ऊपर बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो जब हम एसी करंट यूज करते हैं, इसका बेसिकली आंसर एसी होगा, एसी करंट जब हम यूज करते हैं तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस मेटल के ऊपर फॉर्म होता है वो एसी करंट से क्लीन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्लीन करता जाता है। तो इसलिए हम एसी करंट यूज करते हैं क्योंकि जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो एसी में हमें मिलता है। वो क्या क्लीन करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर फॉर्म होता है उसको क्लीन करता है, इसलिए एसी का यूज करते हैं। तो एसी इज इफेक्टिव फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम बिकॉज इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर। देखिए जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर जो फॉर्म होता है उसको क्लीन करता है या उसको रिमूव करता है। इससे क्या फायदा होता है, दिस प्रिवेंट्स ऑक्साइड बिल्डअप। अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड का बिल्डअप होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स एंड करेंट टाइप्स में बी यूज फॉर टिग वेल्डिंग ऑफ निकल एंड इट्स अलॉय। निकल के लिए हम कौन सा करेंट यूज करेंगे और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो देखिए बेसिकली जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो प्योर टंगस्टन का ही बना होता है या कुछ छोटे अमाउंट में दूसरे में एलिमेंट को मिला के भी यूज करते हैं। बेसिकली इसका आंसर जो होगा बी होगा, जर्कोनियम इलेक्ट्रोड एसी करंट, एसी करंट और जर्कोनियम इलेक्ट्रोड। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक तो प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है और इन सारे इलेक्ट्रोडों का कलर कोड भी होता है। जैसे प्योर टंगस्टन होगा वो ग्रीन कलर होगा, जब भी आप इलेक्ट्रोड देखेंगे टंगस्टन का तो उसके ऊपर एक कलर कोड रहता है, हर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ग्रीन रेड ऐसा बना रहेगा। तो जो ग्रीन होता है प्योर टंगस्टन होता है, थोरिएटेड होता है वो रेड होता है, सेरिएटेड ऑरेंज, लेंथनेटेड गोल्ड, जर्कोनिएटेड ब्राउन और रेयर अर्थ जो होता है ग्रे होता है। तो फ्रेंड्स ये टिग वेल्डिंग जो है उसके इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं। इसमें मेन एलिमेंट टंगस्टन ही होता है सब में, लेकिन छोटे अमाउंट में दूसरे एलिमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे थोरियम यूज किया तो थोरिएटेड हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में बहुत और भी जानना है तो मेरे वेबसाइट जो है weldingandnity.com, इसके ऊपर मैंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में सारे बेसिक नॉलेज दिए हैं। और ये जो फोटोग्राफ लिया है ये मैंने अपने वेबसाइट से ही ये फोटो लिया है, तो आप weldingandnity.com पे जाके और ज़्यादा पढ़ सकते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इसका आंसर था जर्कोनियम इलेक्ट्रोड एसी। तो फ्रेंड्स एसी और जर्कोनियम इलेक्ट्रोड से क्या होता है, स्टेबल आर्क मिलता है, अच्छा पेनिट्रेशन मिलता है और क्लीनिंग एक्शन बेस मेटल का जो है वो क्लीनिंग एक्शन भी होता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ करंट इज यूज फॉर टिग वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील्स। कार्बन स्टील का अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं टिग में तो हम कौन सा कॉन्फिगरेशन लेते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें हम पोलैरिटी जो यूज करते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव DCEN। देखिए एक तो ये अपना इलेक्ट्रोड हो गया मान लीजिए और ये अपना वर्कपीस हो गया, ये वर्कपीस हो गया, तो जो इलेक्ट्रोड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं माइनस, और जो वर्कपीस होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, 3/4 जो हीट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉन्सेंट्रेट होता है, 3/4 अप्रोक्सीमेटली 70%, और
और जो रिमेनिंग हीट है 1/3, 3/4, 1/3, 3/4 में शायद देखिए 70% हीट जो है वो वर्कपीस के पास कंसंट्रेट होता है, 70% वर्कपीस नहीं जो पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ कंसंट्रेट होगा, और 30% अप्रोक्सीमेटली जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल पे कंसंट्रेट होगा। तो जो टिक वेल्डिंग करते हैं एल्यूमिनियम कार्बन स्टील का, उसमें हम इलेक्ट्रोड को माइनस करंट से माइनस पोलैरिटी से जोड़ते हैं, DCEN बोलते हैं, और जो वर्कपीस होगा उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो हीट है वो वर्कपीस पे कंसंट्रेट होगा, इलेक्ट्रोड पे नहीं होगा। यहाँ देखिए जब हम टंजस्टन इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ करते हैं ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, मतलब ये फिलर मेटल का काम नहीं होता, इसे मेल्ट नहीं होना है। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से टंजस्टन को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ ज़्यादा हीट कंसंट्रेट होगा, तो ये मेल्ट होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए DCEN पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं, सो दैट कि वर्कपीस पे ज़्यादा हीट कंसंट्रेट हो, इलेक्ट्रोड पर नहीं हो, ताकि इलेक्ट्रोड मेल्ट ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। DCEN को स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलैरिटी को स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोलते हैं, और इसी का उल्टा होता है रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी होता है DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। जो बाकी आपके आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस है जैसे SMAW, GMAW, उनमें हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोड जो है वही फिलर मेटल का काम करता है, वही मेल्ट होके फिलिंग करता है। तो वहाँ पे हम DCEP यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम DCEN यूज़ करते हैं टिग में, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, टंजस्टन इंक्लूजन अकर ड्यू टू। टंजस्टन इंक्लूजन क्या होता है, ये अनवांटेड एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। देखिए जब हम टिग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कई बार टंजस्टन का जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट होकर वेल्डिंग के अंदर घुस जाता है, चला जाता है, वो इंक्लूड हो जाता है, तो ये टंजस्टन इंक्लूजन होता है। तो ये क्यों होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हाई करंट, इनकरेक्ट वर्टेक्स एंगल, लैक ऑफ वेल्डर स्किल, और ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये ऊपर के जो तीनों जो कॉजेस लिखे हैं इन सबके कारण टंजस्टन इंक्लूजन हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, आर्गन पर्जिंग ऑन द रूट साइड इज नेसेसरी। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और मैंने बताया था पर्जिंग से रिलेटेड, तो ये वैसा ही है। आर्गन पर्जिंग ऑन द रूट साइड इज नेसेसरी इन द टिग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में आर्गन की पर्जिंग क्यों करते हैं, तो जो बैक साइड है उसको हम एटमोसफेयर से, मोल्टन वेल्डपूल को एटमोसफेयर से प्रिवेंट करते हैं। उससे क्या होगा, उससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमें पोरोसिटी नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, अवॉइड पोरोसिटी इन द रूट। पर्जिंग विथ आर्गन गैस क्रिएट्स एन इनर्ट एटमोसफेयर ऑन द बैक साइड ऑफ द वेल्ड, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोरोसिटी कॉज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच डिफेक्ट इज नॉट नॉर्मली एसोसिएटेड विथ टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में ये कौन से डिफेक्ट है जो टिग वेल्डिंग में नॉर्मली नहीं आते हैं, तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टंजस्टन इंक्लूजन, ये तो आता ही आता है। टंजस्टन इंक्लूजन तो टिग में ही आता है क्योंकि उसमें टंजस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। जो क्रेटर पाइप है, क्रेटर पाइप भी टिग में आ सकता है, स्पैटर्स भी आ सकता है, लैक ऑफ फ्यूजन भी आ सकता है। अब चार ऑप्शन दिए, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट चुनना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो है स्पैटर्स, क्योंकि स्पैटर्स आने के चांसेस टिग वेल्डिंग में बहुत ही कम होते हैं, मतलब नाम मात्र होते हैं, मिनिमम आते तो हैं बट बहुत ही कम आते हैं। तो चार ऑप्शन में अगर सबसे अप्रोप्रिएट आपको चुनना है तो स्पैटर्स होगा। स्पैटर्स आर नॉट नॉर्मली एसोसिएटेड विद टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग टिपिकली प्रोड्यूसेस क्लीन एंड प्रिसाइज वेल्ड विथ मिनिमल स्पैटर्स, मतलब कम से कम स्पैटर मिलता है, बहुत ही कम स्पैटर आता है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा टिग होगा। जबकि अब अगर आप दूसरे आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस को कंपेयर करें जैसे GMAW बिग वेल्डिंग, वहां बहुत ही ज्यादा स्पैटर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन द टिग वेल्डिंग प्रोसेस स्लोप इन स्लोप आउट कैपेबिलिटी इज यूज इन ऑर्डर टू। देखिए स्लोप इन और स्लोप आउट ये जो टर्म है टिग वेल्डिंग में यूज होता है। स्लोप इन और स्लोप आउट क्या होता है, जब हम वेल्डिंग शुरू करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही जल्दी करंट ना इंक्रीज हो, मतलब धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो, उसे स्लोप इन बोलते हैं। और स्लोप आउट होता है जब हम वेल्डिंग बंद करते हैं तो अचानक से करंट ना बंद होकर धीरे धीरे करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और वेल्डिंग खत्म होगा, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जीरो पे जाएगा, मतलब अचानक से सडन ना तो इंक्रीज होगा ना सडन डिक्रीज होगा करंट का, इसे स्लोप इन और स्लोप आउट बोलते हैं। स्लोप इन स्टार्ट के समय ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, स्लोप आउट वेल्डिंग एंड के समय करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो ये क्यों करते हैं, ये करने से हमें पोरोसिटी जो है अवॉइड करने में मदद मिलती है और क्रेटर पाइप अवॉइड करने में मदद मिलती है। जो अगर हम सडन इंक्रीज करते हैं
करंट का मतलब स्लोप इन नहीं करेंगे, सडन इंक्रीज करंट होगा तो पोरोसिटी आने के चांस है, और अगर हम वेल्डिंग करंट सडन बंद कर देंगे तो क्रेटर मतलब वेल्डिंग खत्म होने पे अगर करंट सडनली जीरो पे आ जाएगा तो क्रेटर पाइप आने के चांस होगा। तो इसे ही हम मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज करते हैं वेल्डिंग ताकि क्रेटर पाइप ना आए वेल्डिंग खत्म होने पे, और ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं करंट स्टार्ट वेल्डिंग स्टार्ट करने के समय ताकि पोरोसिटी ना आए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए स्लोप इन स्लोप आउट कैपेबिलिटी को एम्पीरेज रैंपिंग और करंट अप स्लोप डाउन डाउन स्लोप ये भी बोलते हैं, करंट अप डाउन स्लोप। इसको देख लीजिए एक बार, मैं पढ़ देता हूँ आराम से ध्यान सुनिए। स्लोप इन हेल्प्स ग्रेजुअली इंक्रीज द वेल्डिंग करेंट, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द वेल्ड वेल्डिंग स्टार्ट करने के समय स्लोप इन कैपेबिलिटी से क्या होता है, धीरे धीरे करंट इंक्रीज होता है, इससे हम पोरोसिटी अवॉइड करते हैं। और स्लोप आउट जो है ग्रेजुअली डिक्रीजेस द करंट एट द एंड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर पाइप, जो स्लोप आउट से हम करंट को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं वेल्डिंग खत्म होने के दौरान, तो इससे हमें क्या क्रेटर पाइप मिलने की संभावना कम होती है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट कर लीजिए, और ज्वाइन का आइकॉन जो है मेरे किसी वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, वो प्रेस करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। नाइट्रोजन इज यूज फॉर टिग वेल्डिंग, और टिक वेल्डिंग में हम नाइट्रोजन कब यूज करते हैं, देखिए ऑप्शंस क्या है, टू स्टेबलाइज द आर्क व्हेन वेल्डिंग विथ माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है टू वेल्ड एनी मटेरियल ग्रुप्ड एज P1, ऑप्शन सी है टू वेल्ड कॉपर, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ शील्डिंग गैस। चार ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, और फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने इसी वीडियो में दिया है जो मैं पहला क्वेश्चन जब मैंने बताया था उसमें शील्डिंग गैस के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन गैस को हम कभी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर याद नहीं है तो आप मेरे पहले क्वेश्चन को, इसी वीडियो का पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जब आपको इसका आंसर मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। फ्रेंड्स आप जब कमेंट करते हैं और आंसर लिखते हैं तो मुझे एनकरेजमेंट मिलता है वीडियोस को और अच्छे से बनाने का। तो फ्रेंड्स आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियोस ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।